तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं ये वेज मंचूरियन, जो देखने में जितनी स्वादिष्ट दिख रही है ना, खाने में भी उतनी ही बढ़िया बनने वाली है ये। और बहुत ही सॉफ्ट और एकदम यमी सी बनेगी ये। बच्चों की फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट होती है। आप इसको स्नैक्स में खा सकते हैं, खाने में खा सकते हैं, किसी भी तरह खा सकते हैं। ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया, और बनी भी बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए वेजिटेबल्स और कुछ सॉसेस। तो मैंने जो वेजिटेबल्स लिए हैं उनमें मैंने लिया है ये ऑनियन, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और कॉलीफ्लावर। आप इनकी जगह अपनी पसंद की सब्जी भी ले सकते हैं। केवल पत्ता गोभी से, कैबेज से भी बनती है मंचूरियन बहुत ही बढ़िया, पर मुझे तो सब सब्जियाँ चाहिए तो मैंने बहुत सारी ले ली हैं। इसके अलावा मैंने सॉसेज लिए हैं ये सोया सॉस, चिली सॉस ग्रीन, और ये रेड टमाटो केचप, और इसके अलावा मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर और वाइट विनेगर, सम सॉल्ट, और ये लिए है मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा और कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। तो इन सभी सब्जियों को हमको बहुत ही बारीक बढ़िया से एकदम घिसना है या चॉप करना है। तो उसके लिए आप इस तरह का कुछ ये ले सकते हैं, ये देखिए आप कुछ इस तरह का। इससे भी आप इन सब्जियों को बहुत अच्छे से घिस सकते हैं और फूड प्रोसेसर में चला सकते हैं। तो मैं इन सब सब्जियों को फूड प्रोसेसर में चलाने वाली हूँ। तो ये देखिए सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है फूड प्रोसेसर में। तो अब मैं इसमें से थोड़ी सी सब्जी मैं जो है एक बाउल में निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये हमको उस समय जब हम इसकी ग्रेवी या थोड़ा सा ड्राई ग्रेवी बनाएंगे तब ये उसमें काम आने वाली है हमारे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल के अलग रख देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, और सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट थोड़ा ही डालना है क्योंकि बाद में हमको इसमें सोया सॉस भी डालनी है। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं ये ऑल पर्पज फ्लावर, मैदा और कॉर्नफ्लावर इसमें बहुत सारा डालने वाला है। तो अभी हम इसमें आधा ही कप मैंने इसमें ऐड किया है अभी यार, फिर हम देखते हैं जितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको बहुत बढ़िया से बाइंडिंग चाहिए इसके लिए। तो अभी हाल ये हुआ नहीं है जितना हमें चाहिए, तो मैं पूरा ही डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए डो तैयार हो चुका है। पहला प्रोसेस में हमने डो बनाया, अब दूसरे प्रोसेस में हम बॉल्स बनाएंगे, तीसरे को मैं इसको हम तलेंगे। तो टोटल एक कप कॉर्नस्टार्च और आधा कप मैंने मैदा इसमें यूज़ किया है। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये डो थोड़ा आपको गीला गीला लग रहा है तो आप पहले वेजीज को निचोड़ के अच्छे से इसके जूसेस निकाल लीजिए, पर मैं इन जूसेस को वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी इसलिए मैंने नहीं निकाला है इसमें से। चाहे भले कोई दिक्कत नहीं, हम ढीले बॉल्स बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि थोड़े सॉफ्ट बनते हैं ढीले ढीले बॉल्स से। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारे बॉल्स बना करके रख लूँगी, और मैंने तेल गरम करने चढ़ा दिया है उधर कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स आप इनको बनाते समय हाथों में पानी या तेल लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सभी बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम एक एक करके इसमें हमारे बॉल्स डाल लेते हैं। थोड़े से डी शेप हो गए हैं तो मैं इनको वापस से थोड़ा सा राउंड राउंड करके और डालती जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे बॉल्स इसमें डाल लिए हैं, पर अभी हम इनको छेड़ेंगे नहीं। अब ये थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं तो अब हम इनको थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे और लगातार ही इनको पलटते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। मैं तो इनको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। जब ये तल करके रख लेते हैं तो बहुत मन होता है कि इनको ऐसे ही खा लो बिना ग्रेवी के ही। तो ये देखिए अब बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया कलर आ गया। तो इनको किचन टॉवल या नैपकिन पर निकाल लेंगे हम सभी को। तो ये देखिए सारे के सारे बहुत अच्छे सिक गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मन कर रहा है ना खाने का ऐसे ही। तो अब हम दूसरा बैच डाल लेते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए सारे बॉल्स हमने तल लिए हैं, तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी सामान तो सब हमारा वैसे ही है, मैंने इसको रिफिल कर लिया है जिंजर गार्लिक को, ब्लैक पेपर को, और मैंने इसके अलावा थोड़ा सा ये लिए हैं चिली फ्लेक्स, और ये लिया है मैंने जम गया है इसको, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने लिया है
कॉर्नफ्लावर, इसको मैंने पानी में घोल के रख लिया है। देखिए इसको हमको चाहिए ग्रेवी को थिक करने में थोड़ा सा, तो ये कॉर्नफ्लावर ले लिया है मैंने, और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस मैंने लिए हैं, और ये लिया है मैंने चॉप्ड अनियंस। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है इसमें 1 सर्विंग स्पून वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं ये चॉप्ड अनियन। मैंने अलग से वेजिटेबल्स नहीं काट के डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले से जो हमने चॉप्ड वेजिटेबल्स थी उसको थोड़ा सा हमने बाउल भर के निकाल लिया था। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि ये भी साथ साथ ही इसके बढ़िया से सौते हो जाएगा। तो अब मैं इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाल लेती हूँ। ये जो एक कप हमने बचा के रखी थी, आप इसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी थोड़ी मोटी मोटी चॉप की भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब हम बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। ये मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना पसंद है मेरे को, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस, मुझे सोया सॉस जो है इसका थोड़ा सा जो है फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है। और अब हम डाल लेते हैं ये टमाटो सॉस और ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट में थोड़ा ही डाल रही हूँ इसको एक बार हल्का सा मिक्स करके। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि ये एक से हो जाए बिल्कुल कुक बढ़िया। तो फ्रेंड्स पानी डाल के मैंने इसको 2 मिनट और कुक किया है। अब थोड़ा सा तेल ऊपर आ गया है, बहुत बढ़िया ग्रेवी हो गई। तो अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देते हैं, और तो इसको भी मिक्स करके अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर ये वाइट विनेगर, और कॉर्नफ्लावर को जो है मैं थोड़ा सा मिक्स करके और वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इससे ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। वैसे भी मैंने जो ये फाइन चॉप्ड वेजिटेबल्स डाली ना, उससे थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी सी बनती है, वरना थोड़ी अलग अलग बिखरी बिखरी बनती है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारे बॉल्स। तो ये बढ़िया से बॉल्स डाल लिए हैं मैंने इसके अंदर, और इसको एक दो बार हम इसको ऊपर नीचे करके 2 मिनट कुक करके, और फिर इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया एकदम यम्मी लग रही है ये। तो ये ड्राई मंचूरियन हो चुकी है रेडी, इसमें चॉप्ड कोरिएंडर, और अब हम डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। तो ये बिल्कुल खाने के लिए, तो लीजिए एकदम यमी यमी टेस्टी टेस्टी हमारी वेज मंचूरियन बनके तैयार हो चुकी है। और जितनी टेस्टी दिख रही है फ्रेंड्स, उतनी ही खाने में भी बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट सी यमी एकदम। मैं आपको एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है, और बहुत ही बढ़िया मुलायम स्पंजी। ये देखिए आप, लग रहा है ना एकदम तुरंत से खाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।